हेलो एवरीवन, हेलो वेज किचन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आज आप देखेंगे कि मिर्च को लंबे समय तक स्टोर करके कैसे रखें जिससे कि मिर्च ख़राब ना हो। वीडियो का कोई भी पार्ट मिस ना करें, लास्ट तक पूरा देखें। यहाँ मैंने ली है थोड़ी सी बारीक वाली हरी मिर्च, यह तीखी होती है। इसको मैंने अच्छे से साफ पानी में धो लिया है और इसका जो पानी था वह झड़ चुका है। अब एक मिर्ची लेंगे और इस तरह से इसकी डंडी हम निकाल देंगे। यह डंडी आप चाकू की हेल्प से भी निकाल सकते हैं या फिर हाथ से भी बहुत ही ईजीली निकल जाती है। ये देखिए, अगर ये इजीली नहीं निकल रही है तो आप इस तरह से इसको नीचे से थोड़ा सा खुरच कर भी ये निकाल सकते हैं। ये देखिए, सभी मिर्च को हमें इसी तरह से क्लीन करके रखना है, सारी डंडियाँ निकाल के रख लेनी है। और सबसे पहले जो मिर्च ख़राब होती है वह डंडे के पास से ही ख़राब होती है, इसी में फंगस लगता है और धीरे धीरे पूरी मिर्च ख़राब हो जाती है। यह था फर्स्ट स्टेप मिर्ची को फंगस से बचाने के लिए। अब आते हैं सेकेंड स्टेप की तरफ। सारी मिर्च को हमने डंडियाँ निकाल ली है। ये मैंने लिया है एक कॉटन का कपड़ा और मिर्च को हमें इस तरह से इसको अच्छे से पोंछना है कि इसमें पानी बिल्कुल भी ना रहे, क्योंकि मिर्च खराब होने का मेन कारण होता है मॉइस्चर। अगर मिर्च में थोड़ी भी नमी रह जाएगी तो उससे मिर्च खराब हो जाएगी, सड़ने लगेगी। तो देखिए, सभी मिर्च को हमने पोंछ दिया है। अब ये मैंने लिया है एक प्लास्टिक का कंटेनर, आप कोई भी इस तरह का प्लास्टिक का डब्बा ले सकते हैं। इसमें हम लगा रहे हैं टिश्यू पेपर, आप कोई भी कॉटन का कपड़ा भी लगा सकते हैं या फिर अखबार का यूज भी कर सकते हैं। सारी मिर्च हम इस बॉक्स में डाल देंगे और ये जो नीचे हमने टिश्यू पेपर लगाया है, जो मिर्च में जो भी मॉइस्चर आएगा ये टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा और मिर्च को ख़राब नहीं होने देगा। इसको हम ढक्कन लगाकर फ्रिज में रख देंगे। मिर्च को बॉक्स में रखे हुए 3 दिन हो गए हैं, अब इसको हम खोल के चेक कर लेते हैं। ये देखिए, मिर्च में आप हल्का हल्का मॉइस्चर देख सकते हैं, इसमें मॉइस्चर आ गया है। मिर्च को निकाल देंगे हम प्लेट में और इसको चेक करेंगे कि इसमें कहीं कोई मिर्च ख़राब तो नहीं हुई। ये देखिए, टिश्यू भी गीला हो गया है और इस बॉक्स को भी हम किसी कॉटन के कपड़े से पोंछ कर अच्छे से सुखा लेंगे। और ये देखिए, इसमें ये एक मिर्च थोड़ी सी ख़राब हो गई है, मॉइस्चर के कारण ये ख़राब हो गई है। इस मिर्च को हम अलग कर देंगे, बाकी सभी मिर्च बिल्कुल ठीक है। और ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि आपने एक बार मिर्च बॉक्स में डाल के रख दी तो आप उसको चेक ना करें, उसको हर 2 से 3 दिन में बीच बीच में चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मिर्च में मॉइस्चर आ जाता है। और ये देखिए, इसके ढक्कन पे भी कितना सारा मॉइस्चर आ गया है, इसको भी हम अच्छे से क्लीन कर देंगे। तो लीजिए, प्लास्टिक के बॉक्स को तो हमने अच्छे से पोंछ लिया है, अब हम मिर्च को भी अच्छे से पोंछ लेंगे, इसका सारा मॉइस्चर सुखा लेंगे। अब हम लेंगे बॉक्स, इसके अंदर लगाएंगे हम नीचे टिश्यू पेपर। आप इसमें 1 से 2 टिश्यू पेपर भी लगा सकते हैं जिससे कि सारा मॉइस्चर ये अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। और अब ये सारी मिर्च हम इसमें डाल देंगे, उसको हम ढक्कन लगा के फिर से रख देंगे फ्रिज में। तो लीजिए फ्रेंड्स, मिर्च को 15 दिन हो गए हैं, अब हम इसको खोल के चेक कर लेते हैं। ये देखिए, मिर्च एकदम फ्रेश लग रही है, इसको हम निकाल देते हैं प्लेट में। मिर्च को हमने हर 3 से 4 दिन बाद चेक किया था और जो नीचे का टिश्यू पेपर मॉइस्चर के कारण गीला हो जाता है उसको भी हम चेंज करते रहे थे। और ये देखिए, मिर्च एकदम फ्रेश है, कोई भी मिर्च ख़राब नहीं हुई है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप मिर्च को 15 दिन से महीने भर तक स्टोर कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होती है। इसमें जो मॉइस्चर आएगा उसको आपको पोंछना है हमेशा, मिर्च को सूखी रखनी है। अगर मिर्च में थोड़ी भी मॉइस्चर रहता है तो वो मिर्च को सड़ा देता है, ख़राब कर देता है। और आप देख सकते हैं, इसमें ऊपर बिल्कुल भी फंगस नहीं लगी है, फफूंद नहीं आई है। इनको हम पोंछ के रख देंगे एयरटाइट कंटेनर में। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप मिर्च को महीनों तक स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। और आपको हमारी आज की वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय फ्रेंड्स।